मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से सीधा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बीएमसी के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। खासकर बीएमसी के कोविड वार्डों की उन्होंने बारीकी से जानकारी ली। सीएम ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, हम प्रयास कर रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर न आने पाए। इसके लिए सबसे पहला कदम हमने वैक्सीनेशन को लेकर उठाया था। प्रदेश में 94% लोगों ने पहला डोज लगवा लिया है, जबकि 75% लोगों ने दोनों डोज पूरे कर लिए हैं। कोविड की लहर न आ पाए और उसके लिए आवश्यक सारी व्यवस्थाएं, विशेषकर वैक्सीनेशन की, मध्य प्रदेश में 75% से ज़्यादा दूसरा डोज लग चुका है, 94% पहला डोज लग चुका है। तो पहली कोशिश ये है कि कोविड की तीसरी लहर को हम आने से रोकें। उसके लिए सबसे सहयोग की अपील है, मीडिया के माध्यम से, जनता से भी, लेकिन तैयारी हम पूरी कर रहे हैं। और इसलिए आज मैंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का अपने साथियों के साथ कोविड से निपटने की जो तैयारी है उनको देखा है। यहाँ इनके पास 88 आईसीयू बेड तैयार है, भगवान ना करे उनकी जरूरत पड़े। उनमें वेंटिलेटर, उनमें ऑक्सीजन की लाइनें वो ठीक से काम कर रही हैं। 571 बेड ऑक्सीजन बेड वो भी तैयार है, उसकी भी जरूरत ना पड़े यही प्रार्थना है। बच्चों के लिए अभी 14 तो तैयार है, 42 बेड की व्यवस्था है, 72 वेंटिलेटर तैयार है, 130 कंसंट्रेटर इनके पास है, 26 KL क्षमता के ऑक्सीजन के कैप्सूल इनके पास है। पिछली बार जो अधिकतम जरूरत पड़ी थी यहाँ 8 KL की पड़ी थी, अब 26 KL की व्यवस्था करके रखी है। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए बिना रिफाइनरी में हमने जो काम शुरू किया था, मुझे बताती हुए खुशी है कि दिसंबर के अंत तक वो पूरा हो जाएगा और दिसंबर के अंत तक हम 3,000 जंबो जो सिलेंडर है ऑक्सीजन के, वो भी हम भर के प्रतिदिन ला पाएंगे। तो एक बार सारी व्यवस्थाएं मेरे मंत्रिमंडल के सारे साथी अपने अपने प्रभार के जिलों में देख रहे हैं और कहीं कहीं जाके मैं भी देख रहा हूँ। सागर से EMS टीवी के लिए नीरज वैदराज की रिपोर्ट। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।